अंशु कहाँ जा रहा है तू? वो छोटे साहब ये पानी मैं बड़ी मैम साहब को देने जा रहा हूँ। अच्छा तो तू ये पानी मैम साहब को पिलाने जा रहा है? सुन इधर आ, मैं इस पानी में ना कुछ मिलाऊंगा, अगर तू ये पानी बड़ी मैम साहब को पिला देता है बिगर कुछ बताए तो मैं तुझे इतने सारे पैसे दूंगा, इससे तेरी लाइफ भी बन सकती है। करेगा मेरा काम? लेकिन छोटे साहब इस पानी में आप मिलाना क्या चाहते हैं? तू जानना चाहता है ना इसमें मैं क्या मिलाऊंगा पानी में? एक सेकंड देख, ये है नशे का इंजेक्शन और मैं ना ये इंजेक्शन इस पानी में मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि तुझे तो पता है तेरे साहब इधर है नहीं और मेम साहब को मैं कितना प्यार करता हूँ। अगर तुझे ये पैसे चाहिए तो मेरा ये काम कर दे और ये पैसे तुझे मिल जाएंगे। साहब इतने से पैसों के लिए बड़ी मैम साहब के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे अपने बेटा जैसा मानती है। देख अंशु, इन पैसों को ना कम मत समझ, ये पूरे 2 लाख रुपए हैं, इससे तू पता नहीं क्या क्या कर सकता है और तुझे यहाँ काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पता करेगा क्या साहब, ये 2 लाख रुपए आप मुझे दे दोगे? हाँ ये 2 लाख रुपए मैं तुझे दे दूंगा, पर बता तो सही मेरा काम करेगा या नहीं? ठीक है साहब, इस पानी में आप जल्दी से दवाई मिला दीजिए, मैम साहब को दिया हूँगा। अरे वाह, ये हुई ना बात, इधर ये इंजेक्शन मैं इसमें मिला देता हूँ फिर। अब ये जाके अपनी मैम साहब को पिला दे और फिर मैं तेरी मैम साहब के साथ मजे करूंगा। और सुन, ये तेरे पैसे और ना तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। ये लीजिए मैम साहब आपका पानी। तेरे को मैंने कितनी देर पहले बोला था पानी लेकर आने के लिए और तू अब लेकर आ रहा है पानी? ला दे। ये पकड़। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे भाभी क्या हुआ आपको? चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। भाभी आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए गाड़ी निकालता हूँ। लगता है दवाई ने अपना काम कर दिया, अब मुझे भी अपना काम कर देना चाहिए। इतने सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, आज वो दिन आ ही गया। अब देखो मैं भाभी के साथ क्या करता हूँ। बस बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे ना तुम्हारे बारे में पहले से ही पता था। तुम मुझे जब घूर घूर के देखते थे ना तो मुझे ये सब पहले से ही पता था कि तुम्हारी नियत में खोट है, समझ गए तुम? अरे मैंने तो तुम्हारे पानी में नशे की दवाई मिलाई थी, फिर तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? अच्छा तो तुम जानना चाहते हो ना कि मैं इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? तो सुनो। रुके मैम साहब, इस पानी को आप मत पीजिए, इस पानी में छोटे साहब ने कुछ मिलाया है, वो आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप इस पानी को मत पीजिए। क्या अंशु ये क्या कह रहे हो तुम? मैम साहब मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, आप इस पानी को फेंक दीजिए, छोटे साहब ने इसमें कुछ मिलाया है। अगर आपको छोटे साहब की सच्चाई जाननी है तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करिए। ठीक है अंशु। ओ तो ये सब अंशु ने किया है, मुझसे 2 लाख रुपए भी ले लिए और काम भी नहीं किया, अब देखो मेरे वो वास्ते नहीं बचेगा। क्या बोला तुम अंशु के साथ क्या करोगे? अच्छा तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे सामने अंशु के साथ बुरा करोगे? ठीक है मैं भी देखती हूँ तुम अंशु के साथ क्या कर सकते हो, अभी बुलाती हूँ अंशु को। अंशु अंशु एक बार इधर आना, ये लो आगे अंशु, अब करके दिखाओ, मैं भी तो देखूँ तुम इसके साथ क्या कर सकते हो। क्यों अंशु, तूने मुझसे 2 लाख रुपए भी ले लिए और मेरा काम भी नहीं किया? छोटे साहब मैम साहब मुझे बेटा जैसा मानते हैं और बेटा कभी माँ के साथ गद्दारी नहीं करता। अच्छा तो तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारा काम कर दूँ और मुझसे 2 लाख रुपए भी ले लिए और तूने मेरा काम भी नहीं किया, बता तूने ऐसा क्यों किया? तुमने क्या सोचा कि तुम थोड़े से पैसे देके अंशु को खरीद लोगे? नहीं, तुम्हें पता भी है कि अंशु मुझसे कितना प्यार करता है और मैं अंशु से कितना प्यार करती हूँ, मैं ना इसे अपने बेटे की तरह मानती हूँ। और हाँ 2-3 दिन में तुम्हारे भैया आने वाले हैं, एक बार उन्हें आ जान दो, फिर तुम्हारी हरकतों के बारे में ना मैं उन्हें अच्छे से बताऊंगी और फिर तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ क्या करते हैं ना तुम्हें पता चलेगा। नहीं भाभी जी, भैया को मत बताना, भैया तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। भाभी जी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा, प्लीज भाभी जी मुझे माफ कर दो, भैया को मत बताना। चलो ठीक है किया मैंने तुम्हें माफ, लेकिन आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने माफ किया। अरे अंशु मुझे तो बहुत गर्व है, अगर बेटा हो ना तो बिल्कुल तेरे जैसा। ठीक है मैम साहब मैं चलता हूँ।